सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इन 4.5 सालों में किन्नर समाज का जीवन में कितना बदलाव आया और क्या सरकार से उनकी उम्मीद थी और किस तरह उन्होंने सरकार उस किन्नर समाज पे खड़ी उतरी, इन सब बातों को लेकर आज हम किन्नर समाज से बात करेंगे। मेरे समाज का क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। वादे तो बहुत होती है पर वादे कहाँ पूरे होते हैं। कोई उन्होंने मेरे अपने पर्टिकुलर किन्नर समाज के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, और समाज में क्या किया क्या नहीं किया कुछ नहीं। फिर भी जितना वो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास दिख कहाँ रहा? बस विकास यही दिख रहा है कि घर मकान बन रहा है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब लोग रोजी रोजगार के घूम रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। आम जनता की बात कर रहे हैं, हमारी तो छोड़ दीजिए, हमारा तो जो जैसे चल रहा दाल रोटी चल रही तो पुश्तों से चला आ रहा, कई पुश्त से चला आ रहा, हमारा तो वही काम है, हमको तो वही करना है जो करना है। लेकिन हमारे समाज के लिए इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया है। सरकार कहती राम राज आ गया है, राम राज में भी आप लोगों को ध्यान रखा गया था? राम राज में तो हम जन्मे ही है, राम राज में तो मेरा सब कुछ है, लेकिन राम राज आ गया तो हम कहाँ हैं? हमको तो दिखना चाहिए राम राज आया तो राम जी आ गए हैं। अगर हमारे मंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री, ये तो नहीं कहीं देख रहे हैं, यह हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी हमें कहीं नहीं देखा है। क्या उम्मीदें हैं सरकार से भी आपको? क्या उम्मीदें हम करें, जब उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया तो अब आगे क्या करें? अब नई सरकार पता नहीं इनकी आएगी किसकी आएगी, जिनकी आएगी उससे देखा जाएगा। अच्छा, आप व्यक्ति बात कर लें और लोगों का, तो किसी का इसी तरह हाल है कि और किसी का कुछ किया गया है? बनारस में स्मार्ट सिटी के तहत योजनाएं चल रही हैं, तो कुछ काम भी किया गया है बनारस में आपके समाज के लिए? हमारे समाज के लिए क्या किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया है। देखिए, ये जो सरकार है, ये जो सत्ता है जो बैठी है, ये काम बहुत धीरे करती है। जब कोई चुनाव नज़दीक आता है तो इनकी नई नई योजनाएं पास होती हैं। 1-2 महीना जब चुनाव का रहेगा तो इनकी योजनाएं पास होंगी। 4 साल में 3 साल में 5 साल में कोई ये काम नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं। पत्र जाएगा, पत्र के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लोग का काम नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे। आज जैसे चुनाव पास आएगा वैसे इनकी बड़ी से बड़ी योजना आ जाएगी, सौगात के रूप में ये लोग दे देते हैं जनता को। आपके समाज की बात की जाए तो कितना आपके समाज को फायदा हुआ इस सरकार से? देखिए, इस सरकार से न हमें फ़ायदा है न हमारे समाज को फ़ायदा हुआ है। हम काफ़ी लंबे समय से 4 साल से मांग कर रहे थे किन्नर आयोग बने। इन्होंने किन्नर आयोग की जगह किन्नर कल्याण बोर्ड कर दिया। हमें कल्याण नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, अधिकार देना है तो दो, हमें कल्याण भीख के रूप में नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में किन्नर समाज की क्या स्थिति, क्योंकि कोरोना भी था जिससे महामारी भी फैली थी, क्या स्थिति मान रहे हैं बताइए? अभी से सरकार को देख लीजिए, अब लोग कहते हैं कि लोग ये लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध देखिए इसमें कोई बात नहीं, ये अपनी बातें हैं, ये मेरा विचार हम रख रहे हैं। आपने 2 साल तक कोविड था, उसमें आपने कभी नहीं पूछा, कोई महीने में नहीं आपने पूछा कि किन्नर समाज के पास खाने का है या नहीं है, जो रोज़ कुआँ खोदता है, रोज़ पानी पीता है, जजमान उसका अन्नदाता है, जनता उसका अन्नदाता है, उसको देती है। सरकार ने पूछा कि अनाज का पैकेज उनको मिला, क्या उनके खाते में, जनधन खाते में उनके पैसे आए, नहीं आए? क्या ये सरकार को, हम सरकार के ऊपर कैसे विश्वास कर ले, कैसे विश्वास करें सरकार के ऊपर कि हमारे लिए ये जो बोर्ड बनाए तो ये काम करेंगे? हमें कल्याण नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। हम शुरू से आखिर तक कह रहे हैं अधिकार हमेशा रहेगा, कल्याण नहीं रहेगा। दूसरी सरकार आएगी तो हटा भी सकती है उस चीज़ों को। क्या लगता है इस बार चुनाव में सरकार बदलने की आशा लग रही है? बिल्कुल आशा लग रही है। अरे भाई, क्यों नहीं आशा लगेगी? आज किसी कानून को ये पूरे घूम घूम के पूरे देश में किसी कानून सही है तो आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर इन्होंने कहा कि मैं किसी कानून को कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये वोट के लिए तो कर रहे हैं, चुनाव के लिए तो कर रहे हैं। क्या किसी कानून ये पहले कह रहे थे सही है संवैधानिक तौर से, और फिर बाद में ये कह रहे हैं कि नहीं, कि हमने इस कानून को मतलब कि रद्द करते हैं, हटाते हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी बातों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। जनता भी पढ़ी लिखी है, जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी बातों को नहीं समझ पा रही है। समस्याएं हमारी ही हैं कि जो आने वाली अभी सरकार चल रही है उससे हमको कुछ सुविधा नहीं है,
कोई सुविधा नहीं, कोई फायदा नहीं हमको, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो तो जानते हैं आप लोग, अगर कोई सुविधा रहता तो सभी को मालूम रहता ये बात कि कोई सुविधा है। हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं है ना हमारे लिए कोई वो है, ना हमारे लिए कोई सुविधा है, ना हमारे लिए कोई ऐसा कुछ बना है हमारे लिए कि जो हमारे लिए ना कभी 10 रुपया का आस है, ना हमारे लिए हॉस्पिटल है, ना टॉयलेट है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। सरकार जो चल रही है उनसे कोई सुविधा अभी तक नहीं है फिलहाल। तो क्या कहेंगी सरकार आपके समाज के विषय में, कोई कार्य नहीं किया? कोई नहीं, कोई नहीं कार। अगर हमारे सरकार हमारे कष्ट में अगर कोई करा होता किन्नरों के लिए तो हम ज़रूर बताते उसमें क्या है, लेकिन कोई अभी तक फिलहाल कोई नहीं है। हमारा अधिकार किन्नर आयोग की मांग थी और आप लोगों को अलग से कुछ मांग था, तो क्या किया सरकार? हमारा मांग यही था हमको घर दिया जाए, हमारे लिए सुविधा दिया जाए, आए हमको हर चीज़ किया जाए, मुहैया किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कोई सरकार ऐसा नहीं जो चल रहे हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करे हैं अभी फिलहाल, मतलब कुछ भी नहीं है। सरकार को कितना नंबर देंगे 10 से आप अपने प्रदर्शन के हिसाब से, समाज के हिसाब से? हम तो नहीं देंगे कोई नंबर, जब हमारे लिए कुछ करे नहीं तो हम नंबर उनको क्या दें। सुरेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, वाराणसी।